लॉकडाउन के चलते बच्चे पढ़ाई में पीछे ना रह जाएं, इसको देखते हुए हम अपने न्यूज चैनल पर शुरू कर रहे हैं संगीता मैडम के साथ ऑनलाइन क्लासेस, जिसका छोटे बच्चे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हमारे आज के टॉपिक है हिंदी कन्वर्सेशन। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं संगीता गुप्ता और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं हिंदी कन्वर्सेशन। हिंदी कन्वर्सेशन का मतलब होता है हिंदी में बातचीत करना, नॉर्मली बात करना, जैसे आप सभी से करते हैं, पापा से, मम्मी से, भैया से, दीदी से, या फिर आपकी टीचर से, या फिर चाहे आपके फ्रेंड हो, जो हम नॉर्मली बात करते हैं उसको बोलते हैं हिंदी कन्वर्सेशन। आप हिंदी कन्वर्सेशन में जब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हिंदी कन्वर्सेशन क्या होता है। हिंदी कन्वर्सेशन में एक से अधिक लोग आपस में बातें करते हैं, उसको हिंदी कन्वर्सेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक टीचर है और एक स्टूडेंट्स हैं, तो ये दोनों यहाँ पे आपस में बातें कर रहे हैं। आइए मैं इनके बारे में बताती हूँ आपको कि ये क्या बातें कर रहे हैं। एक मैम है, मैम को अध्यापिका भी बोलते हैं, शिक्षिका भी बोलते हैं, और एक स्टूडेंट्स है जिसका नाम है गीता। अब इन दोनों में क्या बात चल रही है मैं आपको भी बता दूँ। अध्यापिका गीता, तुम आ गई। मैम पूछती हैं, गीता तुम आ गई? गीता, यस मैम, यस मैडम, आ गई हूँ। अध्यापिका, आज इतनी देर कैसे हो गई हुई? गीता, मैडम आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। अध्यापिका, क्या कोई दुर्घटना हो गई थी? गीता, नहीं मैडम, पुलिस ने जांच पड़ताल और चौकसी के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, इसलिए रास्ते सकरे हो गए और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे सरकता सा चल रहा था। अध्यापिका, उफ, ये ट्रैफिक भी बहुत परेशान करता है, पता नहीं आने वाले समय में दिल्ली का क्या होगा। मेट्रो, गीता, मेट्रो मैडम, मेट्रो रेल शुरू होने से कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं है। सॉरी गीता, मैडम मेट्रो रेल शुरू होने से कुछ फायदा तो हुआ ही है। अध्यापिका, हाँ, जहाँ शुरू हो गई है वहाँ ज़रूर फायदा हुआ है, पर जहाँ अभी मेट्रो का काम चल रहा है वहाँ तो बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। खैर चलो, अपनी सीट पर बैठो। गीता अपनी सीट पर बैठ जाती है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने मैम और स्टूडेंट की बात कैसे हुई। इसी तरह जब हम एक या एक से ज़्यादा लोग आपस में बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, हिंदी में बातें करते हैं, उसको हिंदी कन्वर्सेशन बोलते हैं, और जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो उसको इंग्लिश कन्वर्सेशन।